हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम BTS सिटी सेंटर भुवनेश्वर में घूमने आए हैं, जो कि एक पार्क है घूमने के लिए। इस पार्क आज हम आपको पूरा कवर करके दिखाएंगे। सबसे पहले तो टिकट ले लिया हमने, यहाँ पे 100 रुपये का टिकट पड़ता है यहाँ पे घूमने के लिए, तो हमने 100 रुपये वाला टिकट ले लिया है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके फ्रंट से कुछ इस तरह से नज़ारा दिखता है। इसमें फ्रंट में लिखा हुआ है BTS सिटी सेंटर, आपको कुछ इस तरह दिखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे पार्क टाइम यहाँ पे लिखा गया है, और इसमें पार्क टाइम कितना समय है, रेस्टोरेंट का टाइम क्या है, सब कुछ यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा। वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अब हम एंट्री करते हैं अंदर और देखते हैं इसका नज़ारा कैसा है। अब दोस्तों, हम पार्क के अंदर एंट्री कर चुके हैं, कुछ इस तरह से दिखता है पार्क, देखिएगा। और यहाँ पे कुछ झूले वगैरह मिल जाता है यहाँ पे, जो बच्चे लोग भी खेल सकते हैं। बच्चों के लिए भी यहाँ पे बहुत सारा प्लेग्राउंड में है, बहुत सारा खिलौना है। और यहाँ पे टॉय गाड़ियाँ भी है, झूला है। तो अभी तो फिलहाल कोई टूरिस्ट नहीं है, इसलिए शायद बंद है ये। बाकी यहाँ पे जब टूरिस्ट होता है ये सब चालू हो जाता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से। बाकी इसके ग्राउंड आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बच्चे लोग भी खेलते हैं यहाँ पे। और बहुत बढ़िया पार्क है यहाँ पे, आप कभी भी भुवनेश्वर आते हो तो ये पार्क ज़रूर आना घूमने के लिए। घूमने के मामले में बहुत ही बढ़िया पार्क है ये। आप इसके अंदर आपको बहुत सारे वैरायटी गेमिंग जोन मिल जाएगा, आपको गेम करने के लिए बहुत सारे गेमिंग जोन है, वाटरफॉल है, और बोटिंग करने के लिए भी जगह है इसमें, बोटिंग भी कर सकते हो इसके अंदर, और वाटर स्लाइडिंग भी है इसमें, और टॉय ट्रेन भी आपको दिखने को मिल जाएगा। ये सब टॉय ट्रेन है ये, जो आप भी बैठ सकते हो, अपने बच्चे को भी लाते हो तो उनको भी बिठा सकते हो यहाँ पे। इसमें टॉय ट्रेन चलता है इसमें। और यहाँ पे एक राक्षस मिलेगा आपको, सबसे बड़ा राक्षस, ये देख सकते हैं आप। वाह, बाकी इसका कलर थोड़ा उड़ गया है तो राक्षस ये। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छे अच्छे पार्क है यहाँ पे, और ये वाटर स्लाइडिंग है, जहाँ से ऊपर से नीचे तक पानी के मदद से घसीटते हुए आते हैं, खींचते हुए। और ये वहाँ का रेस्टोरेंट है, बाकी हमको लग रहा है रेस्टोरेंट बंद है अभी। अब देखते हैं आगे थोड़ा सा जाके क्या होता है। वाओ, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। और ये गेमिंग जोन है, टॉय गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, आप अपने बच्चों को बिठा सकते हैं, चला सकते हो, अपने खुद भी चला सकते हो इसमें बैठ के। और इसके लिए चार्जेस तो कुछ अलग सा लगता है, 30 रुपीस लगता है यहाँ पे। बाकी अब कितना लग रहा है हमको नहीं पता, कि हमारे टाइम में 30 रुपीस था। चलो, बाकी वाटर स्लाइडिंग जहाँ से छत से नीचे तक होता है, तो वहाँ पे हम चलते हैं अभी। ये सीढ़ियाँ हैं, इसमें हम चलेंगे, इनका भाई ऑफिस आगे पड़ेगा, ऑफिस के थ्रू जाएंगे यहाँ पे। देखिए इनका ऑफिस भी इसी में ही है। अब चलते हैं आगे। अब सामने आपको दिख रहा है ऑफिस, हमें यहाँ से लेफ्ट लेना है, ऊपर जाना है हमें छत के ऊपर। वाटर कोस्टर लिखा हुआ है, तो चलते हैं अभी।
दोस्तों जब तक ऊपर चलते हैं तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि भुवनेश्वर में जितने सारे पार्क है, जितने टूरिस्ट प्लेस है, सब जगह आपको घुमा के दिखाने वाले हैं। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप सारे जगह देख सकते हो, आराम से आकर भी घूम सकते हो। आउट ऑफ स्टेट से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, बहुत अच्छा जगह है यहाँ पे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक ज़रूर करना, और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। अब दोस्तों नीचे चलते हैं, अब देखते हैं नीचे क्या क्या है। अब ये जो टॉय ट्रेन है वहाँ पे ये रास्ता है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे टॉय ट्रेन रुकता है, उसका स्टेशन है यहाँ पे, इसी स्टेशन में रुकेगा, लोग यहाँ पे उतरेंगे। जितने भी टॉयज है इनके लिए अलग अलग सा शायद टिकट लगता होगा, क्योंकि ये अभी बंद है, तो यहाँ पे कोई नहीं है शायद इसीलिए बंद है। तो स्टैचू वगैरह मिल जाएगा, यहाँ पे एक घोड़ा रखा हुआ है जिसमें आप बैठ सकते हो, जो सांड के ऊपर जो बैठते हैं। तो यहाँ पे एक लिखा गया है, देखो तो इसमें ये लिखा गया है कि 12 साल से नीचे जो बच्चे हैं इसमें नहीं बैठेंगे, प्रेग्नेंसी महिला इसमें नहीं बैठेंगे। बाकी आगे हम चलते हैं, ये टॉय तो सबसे बेस्ट है, इसमें बैठने के लिए आपको 30 रुपीज़ यहाँ पे देना पड़ेगा, लिखा हुआ है एक राउंड के आपको 30 रुपीज़ यहाँ पे देना पड़ेगा, एक ट्रिप का 30 रुपीज़। तो होप कि दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको सही से दिखा पाया सारे घूम के। तो मिलते हैं इसी प्रकार का एक नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों, तब तक नमस्कार। Yeah.